मूवी में तो स्टार्ट होते एक मिनट का डिस्क्लेमर है हिंदी इंग्लिश में, भर भर के कॉमेडी, तो हॉरर तो था ही नहीं ये, तो कहीं कहीं ऐसे बोर हो रहा था बट मुझे अच्छा लगा। तो कैसे बोर हो रहे थे ऐसे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और वैसे टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा ये जो मेरा आज का वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। और वीडियो आज स्टार्ट करते करते ना थोड़ा लेट हो गया, मतलब सुबह ही वीडियो स्टार्ट हुआ है, लेट मतलब मैं जिस चीज के लिए जा रहा था उसके लिए लेट हो गया। एक्चुअली अभी मैं घर पे रहता हूँ ना, तो ऐसे ही मूवी देखता हूँ, इधर उधर घूमने के लिए जाता हूँ, मतलब लगता है कि यहाँ भाई छुट्टी में आया हूँ मैं, ऐसा लगता है घर पे जब भी रहता हूँ। तो अभी मेरे नेक्स्ट ट्रिप में ना 5-6 दिन बचा हुआ है, तो सोच रहा था जब तक हूँ इधर तो बढ़िया बढ़िया जो भी मूवीज सब है देख लूँ मैं। तो दिवाली के दिन आपको बताया दो मूवी आया, एक सिंघम अगेन और दूसरा भूल भुलैया 3, तो दोनों ही मेरा प्लान है जाने का। तो मैंने 10-15 या 10-20 का मेरा शो है सिंघम अगेन का, तो उठने में काफी लेट हो गया, 9:45 में मैं सोकर उठाऊं, तो फटाफट फ्रेश होकर मैं भागता हूँ। लवली भी ऑलरेडी निकल चुकी है घर से, तो टाइम लगेगा मेरे को जाने में। अभी एक काम करते हैं, फटाफट निकलते हैं और वीडियो को फ्रेशन अप होने के बाद कंटिन्यू करते हैं। 10:30 बजे का मैंने मूवी टिकट बुक किया था सिंघम रिटर्न, काफी लेट हो रहा है भाई, ऑलरेडी 10:05 हो गया यहाँ पे, तो फटाफट भागना पड़ेगा। चलो जाते हैं, लवली भी आ रही है अभी, साथ में मिलते हैं तो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लो भाई, लवली मेरे को यहाँ मिलने के लिए बुलाई है, इसका मतलब पूरी सब्जी, मतलब बहुत दिन हो गया था ना, और यहाँ का बहुत दिन से खाने का मन, देखो जैसे कि यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तो यहीं आ गए हम लोग, और ये हाँ ये बेलूर हॉस्पिटल, आपको पता होगा मैंने बहुत बार दिखाया है यहाँ का कचौड़ी, हमको बोले नहीं नहीं एक्चुअली मूवी जाने का प्लान था, बोले पहले वहाँ आना बेलूर आना। लो भाई ये सुबह सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट, चलो चलो जल्दी खा लो फिर शो भी स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो हम जब भी आते हैं ना हमारा प्लान रहता है ये डोसा कॉफी का छांस पियो, नहीं तो फिल्टर कॉफी, लेकिन आज किसी चीज का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ पीने का मन था ना, और आइनॉक्स के अंदर इतना गंदा कॉफी मतलब आता है ना, हम लोग ऑर्डर भी किए हैं, अरे वो कॉफी का क्वालिटी भी बेकार होता है। टाइम देख लो भाई, 10:20 का शो है, 10:18 हो गया। आज वैसे हम लोग डिसाइड करके आए हैं कि पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे, बट जैसे ही अंदर आओ ना वो जो छौंका मारता है ना पॉपकॉर्न का, चीज का यार लाला जाता है, छोड़ 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 ज्यादा देर खड़े रहेंगे ना मन करेगा। वैसे अपना स्क्रीन नंबर 3 है, यही है देख लो सिंघम अगेन, B4 B5 3 है ना, हाँ स्क्रीन 3 है। अंदर तो अभी हम लोग आ गए, पीछे वाले साइड भरा हुआ है, आगे भी धीरे धीरे भर रहा है अभी। मूवी में तो स्टार्ट होते एक मिनट का डिस्क्लेमर है हिंदी इंग्लिश में, कुछ लोग अपने नाम से जाने जाते हैं तो कुछ लोग अपने काम से। चलो अभी मूवी देखते हैं, बाद में बता देंगे कैसा लगा मूवी। अभी अंदर अपने सब्सक्राइबर आए थे मिलने के लिए भाई, हम बैठे हुए थे, बोले मुझे तो ब्लॉग नहीं बना रहे हो, बना रहे हैं भाई लेकिन थोड़ा बहुत बना रहे हैं। और ये मैंने अभी कॉफी ले लिया है यहाँ पे, कोल्ड कॉफी 200 रुपए का है ये। इसके अलावा लवली का इलायची चाय है, और क्या मंगा है, छोटा पॉपकॉर्न है, चीज पॉपकॉर्न हमें बहुत पसंद है इसलिए वो रेगुलर साइज वाला लिए हैं, साथ ही एक वाटर बॉटल भी है, और मूवी ओवरऑल ठीक ठाक जा रहा है भाई। ये कोल्ड कॉफी ना जैसा सोचा था मैंने उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, एक तो कम मीठा है और अच्छा भी लग रहा है, और साथ ही देख लो हमारा आज स्मॉल पॉपकॉर्न आ गया, लवली का ये प्रीमिक्स इलायची चाय ना, और पानी तो है ही अपना, देख लो यही लिया हम लोगों ने, हर बार बोलते हैं पॉपकॉर्न नहीं लेंगे लेकिन लालच आ जाता है, आसपास में लोग खाते हैं ना इसका जो महक आता है ना लालच आ जाता है। तो मूवी देखकर हम लोग अभी निकल चुके हैं बाहर, काफी तेज साउंड मतलब म्यूजिक बज रहा है, तो कॉपीराइट का थोड़ा सीन है, और मूवी सच बताए तो अच्छे से घर जाके बात करते हैं, अभी म्यूजिक बज रहा है ना, आपको अच्छे से मूवी का रिव्यू देते हैं, फिलहाल अभी जाते हैं घर। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग मूवी देखकर आए, और सच बताए तो देखो ये मेरा रिव्यू है, लवली से भी उसका रिव्यू ले लेंगे। मूवी इंटरवल तक मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बस चले जा रहा है, कुछ ना कुछ सीन्स ना ऐसा लग रहा है कि मतलब फोर्सफुली दिया जा रहा है कि बस हो और होते चला जा रहा है। एक चीज अच्छा था कि मतलब कोई सॉन्ग नहीं था जिससे मतलब ऐसा लगे कि भाई, क्योंकि देखो मूवी के बीच में अचानक से जो सॉन्ग आता है ना वो मुझे नहीं पसंद, गाना सुनना पसंद है लेकिन ऐसे मूवी के बीच में मतलब अचानक से आ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मूवी के सीन के साथ मैच होता हुआ हो तो उस टाइप का मेरे को म्यूजिक अच्छा लगता है जो मूवी के सीन के साथ मैच हो। एक होता है ना अचानक से लाइक हुआ पीछे एकदम बैकग्राउंड डांसर आ गया ये हो गया, वो एकदम पसंद नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। इंटरवेल तक मूवी मुझे सच बताया तो उतना अच्छा नहीं लगा, इंटरवेल के बाद मूवी थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि रणवीर सिंह का जो कॉमिक टाइमिंग था ना वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा मूवी मेरे को एवरेज लगा, इसको मैं 10 में से अपने साइड से 10 में से मैं 6 देना चाहूंगा। मूवी को अच्छा एक स्टोरी बनाता है, और इसका जो स्टोरी है ट्रेलर से देखकर ही पता चल गया होगा अपने रामायण से रिलेटेड है, तो स्टोरी तो आपको ओवरऑल आइडिया होगा। ये 6 इसलिए भी दे रहा हूं ना मैं
इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देने वाला, आप लोग जाके थिएटर में देखो आपको पता चल जाएगा भाई पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी का मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके फैन हैं तो वो तो उनको तो देखकर ज्यादा मजा आएगा। और अब अगर मैं बात करूं टिकट प्राइस का, तो मैंने पे किया है 2 टिकट का ₹490 जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। वो जो मैंने पॉपकॉर्न वगैरह लिया था ना, पॉपकॉर्न चाय एक कॉफी कैन जो मैंने लिया था, वो सब मिलाकर ₹650 का था। बाकी लवली से पूछते हैं उसको मूवी कैसा लगा। अब लवली से पूछते हैं उसको मूवी कैसा लगा। मेरे को मूवी एवरेज लगा, क्योंकि इसमें स्टोरी तो ऐसे मूवी का अपना नहीं है, रामायण का पूरा स्टोरी दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो ये अच्छा है। और बाकी आप मूवी जब देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगला सीन क्या होने वाला है। कहने का मतलब है स्टोरी प्रिडिक्टेबल है। यस, लवली बता रही थी ना अभी मेरे को रास्ते में आते वक्त कि मूवी उसको इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि श्रीलंका में जहाँ जहाँ लवली घूमी है, अरे पूरा याद आ गया। मतलब कश्मीर का भी कुछ कुछ सीन्स दिखाया गया है जहाँ हम लोग ट्रैवल ऑलरेडी कर चुके हैं, और श्रीलंका का तो बात ही नहीं रहा। तो जो मंदिर वगैरह दिखाया था लग रहा था हम लोग को तो जस्ट अभी हो गया है, मेमोरीज में ताजा हो। तो हाँ, वो पूरा श्रीलंका का सीन सब है। कोलंबो इवन अपना ताज होटल भी दिखाता है उसमें। तो मूवी रिसेंटली कवर करके आए। तो हाँ जी, जैसा कि लवली ने रिव्यू करा, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि आपको पता ही है, ट्रेलर को देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो हाँ, ओवरऑल तो हमारा ये रिव्यू रहा है मूवी का। वैसे मेरे चैनल पे इस टाइप का वीडियो नहीं आता है, लेकिन भाई मोहित का काम ही एक्सपेरिमेंट करना, आपको मेरे चैनल पे एक्सपेरिमेंट ही मिलेगा। देख लो, किसी वीडियो पे 1,00,000 व्यूज है तो किसी वीडियो पे 20-30 हज़ार व्यूज है। और ट्राई करता हूँ मैं अपने चैनल पे रिपीटेड कंटेंट ना डालूं, और रिपीटेड कंटेंट मैं डालता भी हूँ ना वो इसलिए ताकि लोगों को वही देखना पसंद है, इसलिए मेरे चैनल पे आपको रिपीटेड कंटेंट दिखता होगा। लेकिन मैं अपने साइड से यही कोशिश करता हूँ हर टाइप का कंटेंट बनाऊं, हर चीज आप लोग को दिखाऊं, हर चीज में अपना हाथ पैर मारूं। तो फिलहाल अब थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे अपना सेकंड मूवी देखने के लिए, जो कि भूल भुलैया। दिवाली पे दोनों मूवी का क्लैश होने वाला था जो कि हो चुका है, बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। तो ये देख लो, ये आ चुका है अपना खाना, हम लोग इसी में मिलकर अभी खा लेंगे, क्योंकि बाहर पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे ना तो पेट उसी से भर जाता है, पता नहीं क्यों पॉपकॉर्न खाते हैं। अदरवाइज यही अपना लंच है, ये खाकर थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे हम लोग। खाना पीना अपना हो गया है, खाने के बाद ना जैसे होता है ना रेस्ट वगैरह हम लोग कर रहे थे, और वही आपस में ना हमारा बातचीत चल रहा था मूवी के बारे में। एक दो चीज और हम लोगों ने नोटिस करा पूरे मूवी में, मुझे ऐसा लग रहा था ना, ये सेम बात मैं लवली को अभी जस्ट बोल रहा था, अजय देवगन सर को ना इस मूवी में लग रहा था काम करने का मन ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था जोर जबरदस्ती काम करवाया गया उनसे। और दूसरा एक चीज है ना कि जैसा हम लोगों ने सिंघम मूवी सब देखा है इसके पहले, उसमें अजय देवगन सर का रोल देख लो और इसमें अगर आप देखोगे ना ऐसा लगेगा कि है मूवी में है, ऐसा लगेगा आपको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मूवी का नाम तो सिंघम रिटर्न है, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा ये सूर्यवंशी 2 है, क्योंकि स्टोरी सूर्यवंशी से ही लिया गया है लेकिन सिंघम रिटर्न मूवी का नाम है। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखा है ना तो प्लीज अपना लाइक जो भी लाइक रिव्यू है एक बार बता देना, आपको कैसा लगा, क्या चीज सबसे अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, प्लीज बताना। लेकिन एक बात तो है, बॉलीवुड मूवी ना अभी काफी रिपीटेड हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि वही एक ही टाइप का स्टोरी, वही एक ही टाइप का एक्शन। और सच बताए तो इस पूरे मूवी में कोई भी ऐसा एक्शन सीन मुझे नहीं लगा जो देखकर मुझे लगा हो कि भाई क्या ही एक्शन है। मैं सच बता रहा हूं, इससे बहुत अच्छा एक्शन मुझे लगा था किल मूवी, अगर आपने देखा होगा बहुत बढ़िया मूवी था वो भी। तो आप लोग को इस टाइप का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बताना, हम लोग फ्यूचर में भी ट्राई करेंगे इस टाइप के एक आध वीडियो बनाते रहे अगर कोई बढ़िया बढ़िया अगर अच्छा मूवी आए तो। और एक बात है कि आप में से काफी लोग अजय देवगन सर के फैन हो गए, या फिर बहुत सारे जो जो एक्टर है इस मूवी में, क्योंकि अभी अजय देवगन सर का ना एक शैतान मूवी आया था वो काफी अच्छा था, मैदान मूवी काफी अच्छा था, दृश्यम बहुत अच्छा है। तो भाई अजय देवगन सर का मूवी बहुत अच्छा होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन इस मूवी में मैं बता रहा हूँ आप खुद देखोगे तो पता चलेगा। फिलहाल अभी नेक्स्ट मूवी हमारा 1 घंटे बाद स्टार्ट होगा, उसके लिए भी एक्साइटेड है, देखते हैं कैसा क्या होता है। फिल्म देखने जा रहे हो? हाँ, काम का हिस्सा है मम्मी, अभी मूवी रिव्यूअर बन गए। मम्मी तुमको कौन सा मूवी देखने का मन कर रहा है? हमको जो कहानी स्टोरी अच्छा रहता है उसी में जाने का मन करता है। मम्मी को जैसे महाराजा मूवी बहुत अच्छा लगा था, गोट लाइफ अच्छा लगा था ना मम्मी? गोट लाइफ बहुत अच्छा लगा था। मम्मी को आजकल वो साउथ की मूवी सब बहुत पसंद आती है, पता नहीं क्यों, मुझे भी अच्छी लगती है, बहुत स्टोरी होता है। एक्चुअली क्या होता है ना मम्मी, वो एक्टर पे खर्च नहीं करते हैं, वो कहानी पे खर्च करते हैं, मूवी पे खर्च करते हैं, देखने में भी थोड़ा अच्छा भी लगता है। चलो भूल भुलैया 3 के लिए एक्साइटेड, क्या लग रहा है ये मूवी सिंघम से अच्छा होगा या फिर सेम होगा? सेम तो नहीं होगा, थोड़ा इसमें लग रहा है कि क्योंकि हम भूल भुलैया 2 देखे नहीं है, क्योंकि मैंने देखा भूल भुलैया 2 सस्पेंस में खत्म हुआ था 2, तो जाके देखते थे। कॉफी पी के निकलते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड मूवी देखने के लिए ना हमारे एरिया के एक मॉल में आए हैं, अरविंदो मॉल में, और ये उसका फूड कोर्ट है। मुझे याद है मैं बहुत पहले आया था फूड कोर्ट में, तब भी ये नूडल्स एंड पास्ता था। तो अभी हम लोग मल्टीप्लेक्स के अंदर आ चुके हैं, और ये शो का टिकट ₹300 पे किया ना हम लोगों ने। लेकिन यही चीज अगर मैं लाइक साउथ सिटी मॉल में या फिर क्वेस्ट मॉल के किसी थिएटर में गया रहता पर टिकट भाई 1800 2000 रुपए का टिकट है। हमारे एरिया में थोड़ा टिकट सस्ता मिल जाता है। और पॉपकॉर्न वगैरह के लिए एक ही शॉप दिख रहा है मुझे, बाकी तो बंद है पूरा।
चलो जी अभी अपने जगह में आके बैठ गए हैं और मूवी कैसा होता है कैसा नहीं उसका रिव्यू मिलेगा, ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। चलो अभी मूवी एंजॉय करते हैं, इंटरवल में मिलते हैं। तो अभी जस्ट इंटरवल हुआ है, अभी तक कैसा लगा मूवी? मूवी का स्टोरी पूरा डिफरेंट है, सेकंड वाले से ना पूरा डिफरेंट, अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे मैंने सेकंड देखा नहीं है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, इंटरटेनिंग लग रहा है। मतलब मतलब तुम नहीं भी देखो तुमको स्टोरी तो समझ आ रहा है ना? हाँ स्टोरी समझ में आ रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है मूवी में, लेकिन फन है थोड़ा। हाँ फन है, वैसा अभी तक हॉरर तो नहीं लगा है, नहीं हॉरर तो है ही नहीं, कॉमेडी ही लग रहा है अभी तक। वैसे हॉरर वाला फील हुआ है, मतलब कि डर लगा हो? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट अभी इंटरवल के बाद, अब इंटरवल के बाद देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो नॉर्मल लगा है मूवी। वैसे पूरा पैक है भाई, पूरा पैक है, एक सिंगल सीट खाली नहीं है। मूवी कम्प्लीट हो चुका है, निकलते हैं बाहर। ऑल राइट, तो आज के दिन का हम दूसरा मूवी देखकर आ गए हैं जो कि था भूल भुलैया 3। और मूवी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट पहले मैं बता दूं मैंने भूल भुलैया 1 देखा है जिसमें अक्षय कुमार थे, और भूल भुलैया 2 में नहीं देख पाया, पता नहीं क्या रीजन था। मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था कि मुझे भूल भुलैया 2 देखना है, लेकिन भूल भुलैया 3 का मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा था, खास करके जो रियल मोहन जोली का विद्या बालन मैम का जो मतलब ट्रेलर में देखा ना मैं, मुझे काफी एक्साइटमेंट था कि मैं जाके देखूं क्या है क्या नहीं है। मतलब स्टोरी एकदम डिफरेंट है, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी भूल भुलैया 3 देख रहा है ना, स्टोरी इजिली रिलेट कर पाएगा, जैसे कि सिंघम में रिलेट नहीं कर पाएगा, जिसने सूर्यवंशी मूवी देखा है वही सिंघम रिलेट कर पाएगा कि भाई ये कहां से विलन आ गया, ये कौन से मूवी का सीन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ था इसमें। लेकिन भूल भुलैया 3 कोई भी देख ले आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। मूवी का जो फर्स्ट हाफ था ना, मतलब निकल गया जिसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी था, मजा आ रहा था, कोलकाता का काफी सारा सीन सब दिखा रहा था, वो सब देखकर काफी मजा आ रहा था, उसमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि हाँ भाई चलो क्या दिखेगा आगे, क्या दिखेगा आगे। हाँ लेकिन सिंघम की तरह भूल भुलैया का जो स्टोरी है ना, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या आने वाला है, इसका एक एक्साइटमेंट हो रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और ठीक उसी तरह मूवी का जो एंडिंग था ना बिल्कुल ही अलग था, मूवी का जैसा एंडिंग है ना भूल भुलैया 3 का, किसी ने भी वैसा इमेजिन नहीं करा होगा कि भाई ऐसा भी एंडिंग हो सकता है। अच्छा लगा एंडिंग में, सच बताऊं तो थोड़ा डिफरेंट था, जैसा मैं सोच के गया था वैसा नहीं था, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। बाकी भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी मूवी है, हॉरर तो मुझे वैसा सच बताया तो डर जैसा नहीं लगा, इससे ज्यादा डर तो मुझे शैतान मूवी देखकर लग रहा था। सिंघम को मैंने दिया था 10 में से 6 और भूल भुलैया को मैं दूंगा 10 में से 7.5। अब ये जो 3.5 पॉइंट मैंने क्यों कट किए तो मैं बता दूं, पहला तो वो हॉरर मतलब वो उतना ज्यादा हॉरर मुझे नहीं लगा, आपने अगर अच्छा अच्छा हॉरर मूवी देखा है ना तब तो आपको कुछ नहीं लगेगा ये, इससे कई ज्यादा मेरे को हॉरर कॉमेडी मूवी लगा था स्त्री, जो अभी हम लोग देख के आए थे, क्या था वो स्त्री 2, वो भी काफी अच्छा था, तो उसमें कॉमेडी भी था, वो डर भी थोड़ा बहुत लग रहा था, अच्छा था वो भी। फिलहाल मेरा रिव्यू तो मैंने दे दिया, आप लवली से पूछते उसको कैसा लगा। ये लेकर ना लवली ने तीनों भूल भुलैया का सीरीज देखा है, तो हाँ तुमको कैसा लगा क्या लगा? 3 की मैं बात करूँ तो अच्छा था, हॉरर बोल के ऐसा कुछ नहीं था, भर भर के कॉमेडी था, हॉरर तो था ही नहीं, ये तो कहीं कहीं ऐसे बोर हो रहा था बट मुझे अच्छा लगा। कैसे बोर हो रहे थे? ऐसे मैंने पूरा मूवी अच्छे से एंजॉय करा और मैं इसे 10 से 8 दूंगी। 10 में से 8। और जो हम लोगों ने सुबह सिंघम देखा था तो एज कंपैरिजन मुझे भूल भुलैया 3 ज्यादा अच्छा लगा, फनी मूवी लगा, तो आप लोग जाके बच्चों के साथ भी आप लोग जाके देख सकते हो। अच्छा, बच्चों के साथ भी देख सकते हो, वैसा हॉरर तो कुछ था नहीं। सिंघम मूवी आप बच्चों के साथ नहीं देखोगे, उनको खाली समझ भी नहीं आएगा, पूछेंगे आपसे पूछेंगे पापा मम्मी क्या कहानी हुआ। तो रिव्यू आप लोगों को मिल चुका है, कैसा मूवी था या कैसा नहीं था, आप लोग आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भूल भुलैया 3 कैसा लगा, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो, अगर नहीं देखा है देख के आओ एंजॉय करोगे, आप लोग दोनों ही मूवी जाके देखो जब भी ऐसे टाइम मिले, क्योंकि सबका प्रेफरेंसेस होता है कि किसी को एक्शन मूवी पसंद है, किसी को कॉमेडी मूवी पसंद है, किसी को हॉरर कॉमेडी, वो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। भूल भुलैया 3 देखने जा रहे हो तो मस्त एकदम बिंदास जाओ, अगर आप सिंघम मूवी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले एक बार सूर्यवंशी मूवी देख लेना अक्षय कुमार का। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो ये बहुत ही डिफरेंट वीडियो था मेरे चैनल के हिसाब से, लेकिन मैं ट्राई करूंगा महीने में एक दो वीडियो ऐसा भी दूं। फिलहाल ये वीडियो यहां तक देख लियो, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।